क्रिकेट और स्कैंडल की लव स्टोरी ऐसी है जो सालों से चलती आ रही है। इस लव स्टोरी में न जाने कितने आशिक अपने क्रिकेट करियर की कुर्बानी दे चुके हैं, ना जाने कितने इसकी चपेट में आकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। साल बदलता है और ये अपने नए शिकार ढूंढ लेती है। इस बार शिकार पुराना लेकिन अंजाम नया है। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो क्रिकेट की दुनिया में एक जाना माना चेहरा है, एक ऐसा ऑलराउंडर जिसके सामने वाली टीम थर थर कांपती थी, नेशनल टीम वेस्ट इंडीज, और नाम जनाब का है मार्लिन सैमुअल्स। जो लोग क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखते हैं उनको पता होगा कि सैमुअल्स ने ICC वर्ल्ड 2012 में श्रीलंका के खिलाफ 78 रनों की धांसू पारी खेली थी, जिसकी बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने 2012 का खिताब अपने नाम किया। लेकिन आज हम उस पारी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सैमुअल्स की ज़िंदगी के उस चैप्टर के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल सैमुअल्स को ICC ने एक मामले में साल 2021 में आरोपी बनाया था। सैमुअल्स का मामला लंबित था लेकिन अब 3 साल बाद उन्हें दोषी करार दिया गया। सैमुअल्स पर आरोप था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में थे जो खेल से जुड़ी सारी जानकारियों के बदले उसे गिफ्ट, पेमेंट या फिर कोई फायदा पहुंचा रहा था। मार्लिन सैमुअल्स पर ये पूरा मामला आर्टिकल 2.4.4, 2.4.3, 2.4.6 और 2.4.7 पर लगाया गया था। इसके अलावा भी सैमुअल्स कई कारणों से मीडिया की सुर्खियों में रहे। क्रिकेटिंग करियर में कई बार ऐसा हुआ जब उनके व्यवहार के कारण उनकी दुनिया भर में आलोचना हुई, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के साथ झगड़ा करना हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदतमीजी, इतना ही नहीं खिलाड़ियों की पत्नियों पर अभद्र टिप्पणी करने के लिए भी सैमुअल्स जाने जाते हैं। ये सब उनके लिए आम बात है, लेकिन उनके क्रिकेट करियर के बड़े किस्सों में से एक मामला ऐसा है जिसे सुन आप दंग रह जाएंगे। दरअसल उन पर किसी गैंगस्टर के साथ जुड़े होने का आरोप भी है। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ज़ियोफ लॉसन ने सैमुअल्स पर जमैका के गैंगस्टर के साथ जुड़े होने का आरोप लगाया था। सैमुअल्स पर लगा ये आरोप काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि आमतौर पर खेल की दुनिया में ये देखने को नहीं मिलता। लॉसन ने बिग स्पोर्ट्स ब्रेकफास्ट नाम से एक रेडियो पॉडकास्ट पर सैमुअल्स के लिए ये सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि सैमुअल्स वेस्ट इंडीज़ में कुछ गैंगस्टर के साथ जुड़े हैं। वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप मैदान पर या मैदान के बाहर उलझना नहीं चाहेंगे। वो किंगस्टन जमैका से है। ये वही शहर है जिसे मर्डर कैपिटल्स ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। सैमुअल्स वहाँ के गैंगस्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्रिकेट से कहीं आगे की चीज़ है। ज़ियोफ लॉसन इकलौते ऐसे नहीं थे जिन्होंने सैमुअल्स को लेकर ऐसा दावा किया था। ऑस्ट्रेलिया के खेल पत्रकार जेम्स मैथे ने भी news.com.au में एक स्टोरी पब्लिश की थी जिसमें उसने सैमुअल्स पर आरोप लगाया था कि वो जमैका के एक गैंगस्टर के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। हालांकि सैमुअल्स भी अपने ऊपर लगे इन आरोपों के बाद चुप नहीं बैठे और उन्होंने मीडिया में अपनी बात रखी और बताया कि ये पूरी तरह से गलत है, उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए लोग उन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर सैमुअल्स ने मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। सैमुअल्स ने साल 2000 में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था और 2020 में उन्होंने संन्यास ले लिया। इस दौरान उन्होंने 71 टेस्ट, 207 वनडे और 67 T20 मैच खेले।